सच कहूँ अभी तक तो मुझे रिएक्शन शिव्या को डायरेक्टली देने का मौका ही नहीं मिला, बिकॉज मैं सिर्फ इसको कॉन्ग्रेचुलेट कर पाया हूँ एंड बट मैंने हर जगह इसमें कहा है कि यू लेफ्ट मी स्पीचलेस एंड आई डोंट थिंक कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है, बस साइलेंस कह सकता है, आई थिंक वही है, मेरी आँखें तो भर आई थी एंड मैंने चैलेंज किया कि अगर मैं ऑडिटोरियम में जिसकी आँखें नहीं भर आई थी तो वो बंदा बहुत इंसेंट था। बिकॉज आई थिंक इट्स हर डे एंड इट्स लॉन्च ऑफ हर शो, ऑफकोर्स जैसे एपिसोड खत्म हुआ सबसे पहले मैंने इसको कॉन्ग्रेचुलेट किया था, बट देन आई वॉन्टेड हर टू एन्जॉय द मोमेंट एंड बी देयर जो भी था। इट्स लाइक जैसा प्यार हम राधा कृष्ण में और जैसा हम राम दिखा रहे हैं, वो अनसेल है, सेल्फलेस है, वो उनका प्यार भी एक दूसरों के एक दूसरों को बांधना नहीं है, एक दूसरों के सपनों को जीने देना है। वैसे ही अभी किंशु का शो चल रहा है जात ना पूछो प्रेम की, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप उसे देखिए। और हमारा शो आया है राम सिया की लवकुश, आप उसे भी देखिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप एक बहुत मैं ये चीज़ एक कोर्ट मैंने पढ़ा था, तो बहुत बड़ी पार्टी में होते हैं, वहाँ पे हज़ारों लोग होते हैं, आप हज़ारों लोगों से बातें करते हैं, तो आपका एक इंसान होता है जिसको सिर्फ आपको एक बार देखना होता है और आपको समझ आ जाता है, तो वो जो साइलेंस में आप किसी से बात करते हैं आई थिंक वो हज़ारों शब्दों में भी नहीं होती है, तो वो तो मैंने किंशुक को देख के समझ लिया था। उसके बाद हम अपने अपने यू नो वी आर लिविंग इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड देन वी विल गो बैक टू आवर फेरी डे। अच्छा रियलिटी शोज में भी काफ़ी सीजन चालू हो गए, कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर, नच बलियों में अगर आने का मौका मिलता तो आते आप? अभी नहीं, अभी मुझे लगता है कि अभी वक्त है, हमने अभी बट शिव्या को बिग बॉस करने का बहुत बड़ा सपना है और उसने चैलेंज किया है मेरे एक दोस्त को कि मैं अगर गई तो मैं ही जीत के आऊंगी, है ना? नहीं ऐसा नहीं है, बिग बॉस में बहुत एंजॉय करती हूँ, बट क्यों तुम जीत के आओगी ना, तुमने चैलेंज किया है, सब जिताएंगे सब तुम। हाँ तो नहीं मतलब बात ये है कि अभी तो काम में थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, अभी मेरा इतना अच्छा फील है, बहुत करीब है ये शो, मैं चाहती हूँ कि लोग इस शो को देखें और इसके बारे में जाने, जो अनकही स्टोरीज हैं पीता के एस्पेक्ट्स हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग थी और लवकुश की ज़ुबानी हमारी रामायण की कहानी देखें और साथ में बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सुंदर कहानी है, बहुत सुंदर कहानी सटी क्रिएट की है, आई वांट कि आप सब देखें, आपको सब बहुत अच्छा लगेगा और हमें बताइए कि आपको कैसा। आई थिंक द बेस्ट पार्ट है कि कहानी जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पर आके आज तक के सारे रामायण खत्म हो गए, सो हम उस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं जहाँ पर सबने खत्म किया कहानी, तो मैं बहुत एक्साइटेड।